यस प्लीज। हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डेफिनेशन की बात कर ली थी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है, या कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऐसे एडिशन कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ हो। ठीक है, किसके थ्रू जुड़ा होना चाहिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो क्या कह सकते हैं हम, द टर्म कोऑर्डिनेशन इज कॉइंड फॉर सच कंपाउंड्स, द टर्म कोऑर्डिनेशन इज कॉइंड फॉर सच कंपाउंड्स द टर्म कोऑर्डिनेशन इज कॉइंड फॉर सच कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल इज बॉन्डेड विथ बॉन्डेड विथ अदर मॉलिक्यूल्स या फिर हम कह सकते हैं आयंस विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, द टर्म कोऑर्डिनेशन इज कॉइन फॉर सच कंपाउंड्स इन वे सेंट्रल मेटल इज बॉन्डेड विथ अदर एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। बात करते हैं नेक्स्ट वर्नर थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसके पोस्टुलेट्स याद रखने पड़ेंगे। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है वर्नर थ्योरी में कि प्रॉपर्टीज को जो समझाया स्ट्रक्चर से, वो समझाया था अल्फ्रेड वर्नर ने। द फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी explaining the properties of coordination compounds The first successful theory explaining the properties of coordination compounds in terms of their structure in terms of
देयर स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड वर्नर was given by Alfred Werner in 1893. चले अब बात करते हैं हम इसके कुछ मेन आउटलाइंस की, आउटलाइंस ऑफ वर्नर थ्योरी या आप कह सकते हो पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी. ठीक है, वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स या आउटलाइंस. तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो याद रखना है, मेटल जो है, मेटल हैज टू टाइप ऑफ लिंकेजेस. ठीक है, मेटल के पास दो तरह के लिंकेजेस होते हैं या दो तरह की वैलेंसीज होती है भाई. फर्स्ट, मेटल हैज टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस या हम कह सकते हैं वैलेंसीज. ठीक है, फर्स्ट होती है प्राइमरी वैलेंसीज और सेकंड होती है आपके सेकेंडरी वैलेंसीज. ठीक है, प्राइमरी वैलेंसीज सेकेंडरी वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंड है सेकेंडरी वैलेंसीज. सेकेंडरी वैलेंसीज ठीक है. अच्छा, प्राइमरी वैलेंसीज की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसीज जो है आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. ध्यान रखना है अभी सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइमरी वैलेंसीज आर प्राइमरी बैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. प्राइमरी बैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. सेकेंडरी बैलेंसीज सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल आयंस. सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव आयंस और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव आयंस और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, this is our first point that metal has two type of linkages. First one is primary linkage, second one is secondary linkage. Second point of this theory, Werner theory, primary valencies are ionizable valencies.
प्राइमरी वैलेंसी इज, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल वैलेंसीज, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसीज, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल. सो रिमेंबर दिस थिंग दैट प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी. ओके, अकॉर्डिंग टू, नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, प्राइमरी वैलेंसीज इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर. ध्यान रखना है भाई. वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसीज इंडिकेट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट प्राइमरी वैलेंसीज इंडिकेट, प्राइमरी वैलेंसीज इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन नंबर. वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसीज इंडिकेट कोऑर्डिनेशन नंबर. प्राइमरी वैलेंसीज इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना. फॉर एग्जाम्पल COCl3.6NH3. सपोज मेरे पास ये एग्जाम्पल है COCl3.6NH3. अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, यहां पर अगर ध्यान दें तो ये जो कोबाल्ट है इसके पास दो तरह की वैलेंसीज है भाई. प्राइमरी वैलेंसी तो है जो ये सीएल थ्री है ये इंडिकेट करेगा, और सेकेंडरी वैलेंसीज अमाइन लिगेंड एंड इंडिकेट करेंगे. ध्यान से देखने पर हमें पता लगेगा कोबाल्ट जो है ठीक है, कोबाल्ट की अगर मैं क्या कर लूं, एक्स मान लूं यहां पर, ध्यान से सुनना, अगर मैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लूं, एक्स प्लस 3 × −1 प्लस 6 × 0. न्यूट्रल लिगेंड है, अमाइन कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, बराबर 0. तो यहां पर जो x है उसकी वैल्यू आएगी +3. तो x की वैल्यू जो आ रही है +3, ये इसका क्या है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है भाई. ध्यान रखना है जो कोबाल्ट है वो यहां पर कौन सी स्टेट में है, +3 में. इस जगह जो है COCl3 में कोबाल्ट जो है उसका, ये ध्यान रखना है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है. तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी
कोबाल्ट के लिए वो तो है 3, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो है 6। 6 कैसे है? क्योंकि इससे 6 अमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं भाई, ध्यान रखना है 6 क्या जुड़े हुए हैं, अमीन ग्रुप। तो ये प्राइमरी वैलेंसी जो है, ये 3 तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर, और ये 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना है सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है, यानी 6 अमाइन NH3 ग्रुप, 6 NH3 ग्रुप जो है वो कोबाल्ट को क्या करके रखे हुए हैं, सराउंड करके रखे हुए हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना, कोबाल्ट, अब प्राइमरी जो बैलेंसीज होती है ना, हमेशा ध्यान रखना है प्राइमरी जो बैलेंसीज है उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम डॉट 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 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइमरी बैलेंसी 3 है, ये तो हो गया सीएल, सीएल और सीएल, ये तो हो गई प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करना है। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज है उनको बोल्ड लाइन से, एनएच थ्री, एनएच थ्री, NH3, NH3, सिमिलरली यहां पर भी एक NH3 और NH3। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो डॉट 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 लाइंस है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, प्राइमरी वैलेंसीज को। जबकि जो बोल्ड लाइंस है वो रिप्रेजेंट कर रही है सेकेंडरी वैलेंसीज को। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसीज को डॉट डॉट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और सेकेंडरी वैलेंसीज को बोल्ड लाइंस क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, कोई भी मेटल हो उसको अपनी दोनों वैलेंसीज को क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है भाई। एवरी मेटल एटम, कोई सा भी मेटल हो, ठीक है, हैज टू सेटिस्फाई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है एवरी मेटल एटम हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई प्राइमरी, एवरी मेटल एटम हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, हर मेटल एटम को क्या करना है, उसको अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है। एवरी मेटल एटम हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा उसको, ध्यान रखना है।
उसके बाद में ध्यान रखना है जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है उनका नंबर फिक्स होता है अभी। एवरी मेटल एटम कैन हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, एवरी मेटल एटम, एवरी मेटल एटम हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज सेकेंडरी वैलेंसीज का नंबर हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है भाई, ठीक है। तो एवरी मेटल एटम कैन हैव या हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। अच्छा, ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज है, ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, जिनको हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सेकेंडरी वैलेंसीज अपने आप को स्पेस के अंदर इस तरह से अरेंज करती है कि इनके बीच में रिपल्शन तो हो सबसे कम और एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री आपको मिल जाए। तो दीज सेकेंडरी वैलेंसीज आर अरेंज्ड इन स्पेस इन सच अ वे दैट दे प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री टू द सेंट्रल मेटल। पर्टिकुलर एक ज्योमेट्री, एक शेप प्रोवाइड कराती है फिर, ठीक है। तो ध्यान दे, क्या कह सकते हैं हम, दीज सेकेंडरी वैलेंसीज आर प्रोजेक्टेड इन स्पेस इन सच अ वे दैट दे गिव राइज टू अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, दीज सेकेंडरी वैलेंसीज These secondary valencies are, projected in space in such a way that they assigned a particular geometry to the coordination compound. These secondary valencies are projected in space in such a way that they assign a particular geometry to the coordination compound. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, coordination polyhedron, जो geometrical arrangement हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, coordination polyhedron. Such arrangement is known as coordination polyhedron. Coordination पॉलीहेड्रॉन। और हमेशा ध्यान रखना है, देखो भाई, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम लिखते हैं, ठीक है,
तो ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते समय जिस चीज को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अभी क्या बोलते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल दो, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। उसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं द स्पीशीज विच इज प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट द स्पीशीज विच इज प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। द स्पीशीज विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज काउंटर आयन। काउंटर आयन। चले आगे ध्यान दे, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल देखो भाई ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल लिया NiCO का होल फोर। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है यहां पर ये पूरी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ध्यान रखना है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगी भाई। ठीक है, क्या कहलाएगी? ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसके अंदर कोई काउंटर आयन नहीं है भाई, इसके अंदर काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, काउंटर आयन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, ध्यान रखना ये बात, हमेशा काउंटर आयन कहां होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। जैसे मान लो मैंने, तो ये हो गया पूरा आपका क्या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अगर मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया पीटी एनएच थ्री का फोर सीएल टू ब्रैकेट बी आर टू, मान लो ये एग्जाम्पल लिया मैंने पीटी एनएच थ्री का होल फोर सीएल टू बी आर टू। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये वाली जो चीज है ये हो गई काउंटर आयन, काउंटर आयन। ठीक है, तो ध्यान रखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। चले बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में ध्यान रखना है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल की बात करी थी अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था
COCl3.6NH3। तो आप यहां कहेंगे कि सर इसकी प्राइमरी वैलेंसी जो है जो किसको बताती है, ऑक्सीडेशन नंबर को, वो तो है 3। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है, सेकेंडरी वैलेंसी जो बताती है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को, वो है 6। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ध्यान रखना है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 देन ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड विल बी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी भाई। इसी तरह कह रहा है इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है देन ज्योमेट्री विल बी आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो ध्यान रखना है स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ए बी 6 टाइप का मॉलिक्यूल होता है। ये आपके पास जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है भैया। और अगर हम बात करें कौन सी ज्योमेट्री है, ये ऑक्टाहेड्रल। इसी तरह अगर हमारे पास ए बी 4 टाइप का मॉलिक्यूल हो तो दो ज्योमेट्री हो सकती है, एक तो हो सकती है टेट्राहेड्रल हो सकती है। और या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकती है भाई। तो स्क्वायर प्लेनर में ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और एक कैसी है, स्क्वायर प्लेनर।
मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करें तो ऑक्टाहेड्रल के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। ये ध्यान रखना है अभी। और अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो sp3 स्क्वायर प्लेनर में होता है dsp2। ठीक है, यहां पर d2sp3 भी हो सकता है, d2sp3 भी हो सकता है भाई, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कब होगी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब होगी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो ये मैंने आपको बताया, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री जो होगी कंपाउंड की वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री या तो आइदर टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, चले उसके बाद में हम नेक्स्ट जो पॉइंट बताएंगे, ठीक है वो बताएंगे। इसी में नेक्स्ट पॉइंट और है हमारे पास फर्नर की थ्योरी में, तो काफी इंपॉर्टेंट है फर्नर की थ्योरी। तो ये मैंने आपको आउटलाइंस बता रहा हूं मैं कि मेटल के बाद दो तरह के लिंकेज होते हैं, प्राइमरी लिंकेज सेकेंडरी लिंकेज। प्राइमरी लिंकेज हमेशा नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है, सेकेंडरी लिंकेज या तो न्यूट्रल या नेगेटिव से सेटिस्फाइड होता है। प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन आयनाइजेबल होती है। मॉडर्न कंसेप्ट को लें तो प्राइमरी वैलेंसीज ऑक्सीडेशन नंबर को बताती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। स्ट्रक्चर की बात करी हमने, एग्जांपल दिया COCl3.6NH3, प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। ज्योमेट्री बताई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, डॉट डॉट जो लाइंस होती है वो प्राइमरी को रिप्रेजेंट करती है, जबकि डॉटेड वो बोल्ड लाइंस हमेशा ध्यान रखना है सेकेंडरी वैलेंसीज को इंडिकेट करती है। हर मेटल एटम को अपनी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। और हर मेटल के पास प्राइमरी वैलेंसीज सेकेंडरी वैलेंसीज का नंबर फिक्स होता है, ये सेकेंडरी वैलेंसीज अपने आप को स्पेस में अरेंज करती है और एक ज्योमेट्री जो है उसका फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जो स्क्वायर ब्रैकेट के ठीक है अंदर रहती है स्पीशीज उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, और जो बाहर रहती है उसको काउंटर आयन बोलते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कब होगी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब होगी या स्क्वायर प्लेनर कब होगी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ये आपको शेप बता दी मैंने, यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, ओके।